अलीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पीपीगंज थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के संपत्ति को कुर्क किया है, जिनकी पहचान भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर हाल पता वार्ड नंबर 4 कस्बा पीपीगंज थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसकी एक जेसीबी चार पहिया वाहन एक मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, जिसको जिलाधिकारी के निर्देश पर कुर्क किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा आज संगठित माफिया और गैंगस्टर भोला यादव की लगभग 50 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया। उक्त संपत्ति में एक जेसीबी वाहन, एक स्कॉर्पियो वाहन व एक बुलेट मोटरसाइकिल शामिल है। उक्त अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत तहसीलदार व थानाध्यक्ष की उपस्थिति में सीज की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त भोला यादव के विरुद्ध 44 मुकदमे हैं और वो एक हिस्ट्रीशीटर है थाना पीपीगंज के।